कहीं पे भी दुनिया में कोई ऐसी तब्दीली नहीं आई है कि जिसको आगे जाके लोग जो हैं वो पेश कर सके और वो कह दें कि हमने उसी पुरानी जो पुरानी रविश थी या जो पुरानी पुराने टेक्निक्स थे या जो मैनेजमेंट के पुराने तरीके थे उसी को अप्लाई करके उसी को अडाप्ट करके हमने इस स्टेट में इस एरिया में इस कॉन्टिनेंट में या ये जो स्फेयर है इसमें हम तब्दीली ला चुके हैं या तब्दीली लाने में कामयाब हुए हैं। यही वजह है कि गुज़िश्ता 100 साल इस पे काम हुआ है लेकिन गुज़िश्ता 2 डिकेड्स में इसने दुनिया को बदल डाला है और यही वजह है कि ये एक सनशाइन ला है। इस ला की वजह से बहुत से ममालिक में तमाम जो इंतज़ामी अमूर है जो एक कल्चर ऑफ सिक्रेसी है वो टूट रहा है वो ख़त्म हो रहा है और तमाम चीज़ें जो है वो रोशनी में आ गई हैं। ट्रांसपेरेंसी इंश्योर हो गई है, अकाउंटेबिलिटी इंश्योर हो गई है और उसके बदौलत जो है वो गवर्नेंस में तब्दीली आ रही है और यही मकसद है आज की इस हकूमत की भी, हकूमत का भी ये मकसद है, हकूमत की ये पॉलिसी भी है। इसी पॉलिसी को इस ला के तहत DC साहब, मैं और चीफ साहब और आप सब लोग जो हैं आप बाउंड हैं इस ला के तहत भी और हमारी नौकरियों को लेके भी हम जो हैं बाउंड है कि हम इस ला को ये आगे जाके लाभ है आपको पढ़ाएंगे आज एक आधे घंटे में। लेकिन सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि डिप्टी कमिश्नर साहब जो है वो एक वेलकम रिमार्क्स भी और एक ओनरशिप के तौर पे आज इसको ओपन भी करें इस इवेंट को और आपके सामने जो ज़रूरी चीज़ें हैं डिस्ट्रिक्ट के हवाले से और ट्रांसपेरेंसी के हवाले से उस पर बात भी करें। प्लीज़ सर। बहुत शुक्रिया कमिश्नर सर, विद योर परमिशन सर। बतौर डिप्टी कमिश्नर शांगला मैं बड़ा खुश हूँ कि आज चीफ कमिश्नर राइट इंफॉर्मेशन जनाब साजिद खान जदून हमारे दरमियान ख़ुद तशरीफ़ लाए हैं, कमिश्नर साहब हैं, इनकी टीम है। वी आर रियली ग्रेटफुल सर एंड वी एक्चुअली वेलकम यू एंड वी आर वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस सेशन। हमारे पास अभी पूरे जो डिस्ट्रिक्ट डिपार्टमेंट्स हैं उनके हेड्स बैठे हैं या उनके नुमाइंदे बैठे हैं और वी आर एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस सेशन, जिसमें हमारी एजुकेशन भी होगी। और जिस तरह मेरे यहाँ आने से पहले ऑफिस में बात हो रही थी, हम ये चाह रहे हैं कि ये जो आगाही का सफ़र है ये सिर्फ सरकारी हलकों तक महदूद ना रहे बल्कि कमिश्नर साहब ने, चीफ कमिश्नर ने भी ये आइडिया जो है इसको बड़ा अप्रिशिएट किया और हम ये प्लान करेंगे इंशाल्लाह ताला कि हम जो रीचिंग आउट एक्सरसाइज है आम लोगों तक वो भी पहुंचाएं ताकि लोगों को अपने राइट्स का पता हो, लोगों को जो हुकूमत की तरफ से डिफरेंट इनिशिएटिव्स हैं उनका पता हो और जो ट्रांसपेरेंसी और गुड गवर्नेंस है उसके लिए हम बाकी चीज़ें भी कर सकें। तो इंशाल्लाह ताला फ्यूचर में सर वी लुक फॉरवर्ड के आपके साथ हम कोलैबोरेट करेंगे और इंशाल्लाह ताला खुली कचहरियाँ स्पेशली हम इस टीम के साथ कर सकते हैं और जो आम लोग हैं उनकी आगाही के लिए हम इंशाल्लाह ताला ये जो राइट टू इंफॉर्मेशन वाला कॉन्सेप्ट है इसको मज़ीद फैलाएंगे ताकि लोगों को इसका फ़ायदा हो। मेरी आज कमिश्नर मालाकांड के साथ भी एक मीटिंग है, पूरे डिवीज़न की मीटिंग है, रिव्यू मीटिंग है। मैं पूरा सेशन शायद अटेंड ना कर पाऊँ सर, ADC साहब होंगे, लेकिन शांगला की दिली इंतज़ामिया और शांगला के बिहाफ पे मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप तशरीफ़ लाए और वी लुक फॉरवर्ड टू अ वेरी इनलाइटनिंग सेशन सर। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर फॉर योर जनरस रिमार्क्स, बट देयर इज़ अ स्मॉलेस्ट ऑफ एक्सरसाइजेस एंड वी वांट टू शेयर दिस। خدمت دپاره چرته چې نورم ډیر سیزونه کیږي نو وخت په وخت دنیا او بیا حکومتونه چې دي نو هغوی څه ناسې اقدامات کوي کله چې دا پته ولګېده چې څه داسې سیزونه دي چې د هغې د وجې نه گورننس کیږي نه ایڈمنسٹریشن کیږي نه صحیح پالیسیز جوړیږي ولې چې مونږ ته پته نه وي مونږ نه هر شی په تیارو کې پروت وي تا
تلکم پوری چھے دیزی دا شنگلی دا یو دیر غریب غریب کور یو غریب سڑیتا پیو لر غر کے دا پتہ نوی چھے دا شنگلی دا ڈی سی پافیس کے چھے زماز وی کم درخواست ورکڑ وغیت رسو شو نو آگا چھے رم دا غیتا پوس نشکو لے خو کدا ورد پتی چھے غیت رسو شو او دا ورد پتو لگی چھے پشنگلی د آر ٹی آئی او دا غی وجہ صرف دا دا پلسو کی چھے دا سب نیشنل لا دا دا صوبائی دے کچھر تا دا مرکزی حکومت اڈاپ کرے ہوئے یا اڈاپ کی نو دا با بیا دا دنیا دو دری یا دا حد لا نو پینزو خو قوانینو کی شمار ہوئے نو پا دی وجہ نن چی مو پسا ملاوی گو یعنی پسا باندی مونگا دا میٹنگ کو نو دا ذہن کیوں ساتے that we are here to discuss one of the best laws in the world دا بہترین لا دا یعنی دیو سرکاری افسر دا پارا دا خبر صرف دا خبر ہم کافی دا چاہ دا دنیا دا آر ٹی آئی یا دا انفارمیشن یا دا ٹرانسپرنسی یا دا اکاؤنٹیبلٹی یا دا گورننس متعلق خبر کئی او دا غی متعلق دا سی اولا گوری نن دا سی اولا سٹڈی کئی چاہ پا دنیا کے دا ٹولو نا بہترین علا نو پا دی بہترین علا نن مونگا دا خپل سیشن چے دے دا کو د دې یو تاریخ یو هیستوري ده چې کومه زموږ کې دې شي ډېره کمه په کار شي خو داسې ده چې دا د یونایټیډ نیشن ریزولوشن موجود دی او په هغې کې هغې دا غوښتنه کړې ده چې داسې یو لا په کار ده داسې یو آر ټی آی داسې یو میکانیزم په کار دی چې په دنیا کې خلکو ته دا حق ملو شي چې هغې ټو ایکسس انفارمیشن ټو سیک انفارمیشن ټو ایکسس انفارمیشن ټو ریسیو انفارمیشن ټو ریٹریو انفارمیشن اینڈ ټو یوز دیٹ انفارمیشن فار گڈ گورننس چې گورننس خشی ار سنگه خشی چې د سرکاري خلکو احتساب وشي او د سرکاري خلکو احتساب باندې کیږي چې ترکمه پوری شفافیت نه وي چې ترانسپرنسی راشي دا هغه ترانسپرنسی په نتیجه کې و بیا چې د خلکو احتساب وشي او د احتساب په نتیجه کې و بیا گورننس خشی نو نن سبا چې مونږ ګورو نو سر یو سر دیرش ملکونو آلریڈی دا لا اڈاپ کرے دا اگے کے تا سو گو رہی دا ٹول نڑمبے ملک سویڈن چھے اگر پا 1766 کے کرے دا او بیا تا سو گو رہی چھے پا 1966 کے سنگا اقوام متحدہ گختن ہو کا نو امریکہ چھے دا غدا سے ملک تے چھے دا یو این اگر سسٹم میں سائن کرے ہم ندے یعنی یونائٹڈ سٹیٹس ور ناٹ ایکچولی سیگنیٹری ٹو دی کاونٹ آن سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس خو بیا هم هغه 1966 کې دا لا چې دی راوسته او تاسو ګوري امریکا کې څونه ډاکومنټس دي نو هغه د لا لاندې کې کلاسیفایډ وي او نوی بیا خو ټیک ته یعنی هر شي ته د هر سړي ایکسس دی دا ګوري بیا آسٹریلیا کې 82 کې او بیا په 83 کې په کینیډا کې بیا ګوري 2000 کې په یونایټیډ کینګډم کې او په انډیا کې دا په 2005 کې رانه په سوسایټي یو ډیر روبست سسٹم دی دا اکاؤنٹبلٹی مونږ ته دلته ډیره ممکنه نه وي خو هلته د ټولو نه زیات پیپرز او د لسټ او د دې خبرې چې کیږي د آر ټی آی لاندې اوباس یا د سی ایس ایس یا د سټیټس ایگزامینیشن دی هلته سپریم کورٹ ای ته دا ویلي دي چې پیپر او دا خو تاسو ورکولی شي چینجز که پکې نه شي کېدی خو یو سړي ته پته پکار نه چې ما کوم ایگزام ورکړو ما چې کم کار کوو هغې کې زه په څه وجه پاتې شوی او دغه وجه دا چې اوس هم دا خبره کیږي چې د کالونیل وخت نه هم په انډیا کې چې کم سینٹرل ایگزامز دي یا سٹیټ ایگزامز دي نو په هغې کې اوس هم بهترین خلک مخې ته راځي ځکه چې یېریږي تپوس خلک کولی شي دا تاسو وګورئ پاکستان کې دا په 2017 کې راغلی مونږ چې کله دا کلیم کوو دیٹ وی آر ناٹ گڈ یا مونږ دا یو ایلیگیشن مونږ لچ کوو that we are not good in governance or with governance in our region no the din am tasu tawe opat lagi dili
पॉवर्टी वाले पॉवर्टी का अंत था आ गाड़ा था बाड़ा ना नो दी वो जुहात नूर दी ट्रांसपेरेंसी बनी आबादी बई डेर पॉपुलेशन बई नूर सब खो जमुंगा चिकम गुरबत ते जमुं चिकम सिजु ने दिनो पई की चरता नूर डेर फैक्टर दी न दाम पके है यो पके दाम दे लस करोड़ रुपए रागने में और जमुं दे कली सड़क रोहान दे के दी ईश्वर तदा पते मुने की जमा दे कली सड़क पके शामिल हो खुफलानी फाइल की दी चारा पैसे भी अबल क्वारी अप्रोप्रिएट शे न दा दा डेवलपमेंट फाइल ये जम दा से एड्रेस कई दा द शहरी और द स्टेट संबंध चिकम ट्रस्ट लेवल ने नो आगा ज्यादा ही और इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं दा से और के द इंसान डिग्निटी को कागा और लदा का नीलास करोड़ी और या और तपाई और अधिका रुजुली की दर आदा है चीजी माले दा आरटीआई ला लान दे हुआ है ना आरटीआई कानून लाने चेस्ता तनखा सोना दा स्ता पार्ट्स प्रिविलेज सोना दी स्ता पीओएल सोना दे मजबूर दे चला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और उसने कहा है नबी मैं सिर्फ एक वजह से मुसलमान हो रहा हूँ मेरा सारा कबीला ही मुसलमान हो गया मैं मेरी तरह का हो गया कि मैं 60 साल का हो गया हूँ मैं अपनी आदतें नहीं बदल सकता अब मुझे कोई एक चीज बताओ कि मैं मुसलमान भी हो जाऊँ और आदतें भी ना बदलूं उन्होंने कहा अगर एक चीज मुसलमान रहने के लिए तुम्हें चाहिए तो सच बोलो ये एक्चुअली राइट ऑफ इंफॉर्मेशन सच बोलने का हुकूमत को फोर्स कर रहा है सच बोलो हम ये जो राइट ऑफ इंफॉर्मेशन पंजाब का चीफ मिनिस्टर कैसे रह रहा उसके ऊपर कितना खर्चा है सिंध के चीफ मिनिस्टर के ऊपर कितना खर्चा है बलोचिस्तान का चीफ मिनिस्टर कितना जा रहा है क्या पब्लिक का पैसा कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं वह जहाजों में फिर रहे हैं बच्चे जहाजों में जा रहे हैं अगलों के हमारा चीफ मिनिस्टर ने एक दफा गलती से हेलीकॉप्टर ले गया सारा शोर मच गया कहीं और उसने पैसे भी दिए तो ये हमारा फर्क होगा आपको फर्क नजर आएगा केपीके के अंदर और सारे पाकिस्तान के अंदर ठीक नहीं दा असी जो ऑफिशियल चीज फंक्शन थी एक लगोम ना दा वीडियो खुचुन के देखिए सो खबर दा से में चे द सरकारी खल्क को सरे रिलेट कोल पदी वजह गिनजा अवॉइड कोन दा औ ब्या छ दे खान से पखपल बांधे रालो औ प 30 दिसंबर बांधे 2013 बांधे द जमुन कमीशन चकम ने खैबर पख्तूनख्वा इंफॉर्मेशन कमीशन द इनॉग्रेट को औ चकल दे रालो अल तवलाड हमगा ने शामिल करा लो दिस इज द फ्यूचर इन द फ्यूचर ऑफ योर कंट्री इज इन एट योर हैंड्स भाई द चिमुंग सिंह वो छे इट इज एक्चुअली फोकसिंग ऑन फ्यूचर द दे वजह ना छे कमासर द नन डेटा अवेलेबल ही मत द पति चीज पर शांगला की सोन स्कूल ने दी सोन पागे खर्चे की गी सोन पके खलक उमदा से जाय कई दे वख की प दुनिया की द 2018 डेटा द 2018 30 trillion dollar मतलब दे छे 30,000 अरब डॉलर द दुनिया के पर प्रोक्योरमेंट के पर सीजनो अरेस्टो के और पर सर्विसेज प्रोवाइड को लो के वेस्टेज दे लीकेज दे दार से का सिर्फ द पैसे पर सही तरीका पर गरीब मुल्कों बांधियो लेकिन वे द्रेव कालो के दागे टू ला पॉवर्टी खत्म देश न दागे चूंकि ट्रांसपेरेंसी निष्ठा न पदे वजह से सुने इदारी दी का गा यूएन दे का आईएमएफ दे का वर्ल्ड बैंक टू ले इदारी अब पदे फोकस पे मुंगा हम अंदर शेख जमुन कमीशन की ओ चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर दे द्वा रिसर कमिश्नर द्वी द यो कमिश्नर लीगल साइड पूरी हो द नूर आईटी कम्युनिकेशंस और द पब्लिकेशंस ना और सेक्रेटरी भी आ एडमिनिस्ट्रेशन पूरी द सिर्फ ता तो द पारे जे दायो मैकेनिज्म मौजूद दे दायो स्टेयर दे पूरा और पारे बांधे द रवान में कथा सु तसु करा दी और स द से अगर रिक्वेस्ट रोडी या स इंफॉर्मेशन वर्डिंग तसु ता आईडिया पकार दा چه که زور نکم نمخ که بچر تزی بیا بلا باڑیشتا کنا بیا دا غیر اختیارات سیدی سر پاور سیدی اگر عدالت تے کنا سی ایڈمنسٹریٹیو انسٹیٹیوشن دے سش نہیں زمونگا 2013 ایکٹ چلے نو اغم دا دنیا دا نور قوانین و پشان یا دا نور ٹولز پشان اغم رائٹ ٹو انفارمیشن یا آر ٹی آئی چلے نو اغا ڈیفائن کئی
राइट टू इंफॉर्मेशन सिंह का महकमा था तो कुल जिदा पावर फियाम के लिए जे राइट टू एक्सेस पब्लिक इंफॉर्मेशन या इंफॉर्मेशन ऑफ पब्लिक जरूरत नहीं है, सिर्फ इसको पढ़ने की इसलिए जरूरत है कि चंद एग्जेम्पशंस हैं और वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नहीं है। उस डिस्ट्रिक्ट लेवल में सिर्फ पुलिस और जेल और ये जो सिक्योरिटी कंसर्न है इनके साथ रिलेट करती है, बाकी ये हेल्थ एजुकेशन ये एग्रीकल्चर पब्लिक है इनके साथ कोई एग्जेम्पशन का ताल्लुक नहीं है, आपको फॉर्म देनी है। तो इसलिए ये बड़ी जो बड़ी बात यह है कि फौरन आप दें एग्जेम्पशन सिर्फ पुलिस और जेल और जो सिक्योरिटी कंसर्न है, बाकी आपका इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इंटरनेशनल रिलेशन के साथ क्या ताल्लुक है, इकोनॉमिक पॉलिसीज के साथ क्या ताल्लुक है, वो ये तो बहुत लोकल है कौन सा स्टाफ है कितनी तनख्वाहें दे रहे हैं कितने TADA दे रहे हैं हेल्थ वाले दवाइयाँ कितनी दे रहे हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन आपने देनी है। मैं जरा जल्दी जल्दी अपनी बातें कर ली थी कि अज़ान भी हो गई है तो ये नमाज का भी टाइम है। एक काम ने यहाँ पे किताब ये जो फॉर्म था शो किया तो इसका ये कतई मतलब नहीं है कि ये सिर्फ ये है वो सिगरेट की डब्बी के ऊपर जो है ना लिख कर भी रिक्वेस्ट प्लेस कर सकता है फोकल पर्सन के पास कि जी सिगरेट की डब्बी के ऊपर कि जी मुझे ये इंफॉर्मेशन चाहिए। ये सिर्फ हमने आपकी सहूलत के लिए लोगों की सहूलत के लिए ये हमने डिज़ाइन किया हुआ है, इसकी पाबंदी नहीं। फिर ये हम ये ज़्यादातर यही देखते हैं कि जी लोग आके नौकरियों के बारे में पूछते हैं कि जी मुझे क्लास 4 भर्ती हुआ नहीं हुआ क्या हुआ डोमिसाइल का, तो आप प्लीज़ आप सिटीज़न भी हैं आप अपने इलाकों में अपने ख़ानदान में अपने रिश्तेदारों को अपने इलाकों को ये बताएं कि ये डेवलपमेंटल जो हमारा एक्सपेंडिचर है जो ज़्यादा है उसके बारे में ज़्यादा पूछें ताकि पता चले कि हमारे जो शांगला में अलपुरी में कितनी सड़कें बनी हैं किसने बनाई हैं कंट्रेक्टर कौन है। तो ये डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर जो है ना इस पे हॉस्पिटल में कितने नए वार्ड बने हैं क्या हो रहा है, तो ये चीज़ें जो है ना ये एज ए नेशन और इंफॉर्मेशन का असल मकसद ठीक है पर्सनल भी होता है कि जी मुझे नौकरी नहीं दी गई है तो ये क्यों नहीं दी गई है और ये मुझसे काम वाले ये भी ज़रूर है, लेकिन हमारा फोकस बदकिस्मती से सिर्फ उसी ट्राइड पर है जो अवाम के जो ज़्यादा पैसे हैं जो जो सड़क जो बनी है टूट गई है किसी ने कोई नहीं पूछता जाके CNW से कि बताओ भाई ये कितने की आपने बनाई ये कौन ठेकेदार था ये इसकी लाइफ कितनी थी और ये क्यों टूटी है अभी, ये कोई नहीं पूछता है। इसलिए लोग समझते हैं कि इसके लिए कुछ फैडबैक में, तो इस कानून के नीचे आपके पास इख्तियार है कि आप करना चाहें अखबार को देना चाहें अदालत जाना चाहें वो आपके अपने इख्तियार में है, लेकिन इंफॉर्मेशन जो है ना ये आपका हक है। तो ये आप अपने रिश्तेदारों को अपने इलाके में अपने गांव को आपको बताने का मकसद ये भी है कि आप भी एक सिटीजन है आप आगे भी लोगों को बताएं कि ये कानून है इसके नीचे ये आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि आपकी गली जिसने पक्की की है ये कौन है कौन ठेकेदार है कौन सा महकमा है कितना खर्च हुआ है ये आप पूछ सकते हैं। जिस तरह ये प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर की बात हो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अपने अपने महकमों में जो भी डेवलपमेंटल स्कीम्स हैं स्टाफ है बजट है इसको नोटिस बोर्ड पे लगा दें उसको वेबसाइट है वेबसाइट पे डाल दें तो ये लोगों को एक कल्चर डेवलप हो जाएगा ओपननेस का ट्रांसपेरेंसी का। एक और जो मसला लोगों से आता है कि जी डिपार्टमेंट्स में के लोग बड़ी इंफॉर्मेशन मांग लेते हैं लोग कि जी इसमें खर्चा ज़्यादा हो गया जी हमारे पास छोटे महकमे छोटे छोटे महकमे डिस्ट्रिक्ट में छोटे महकमे सारी उम्र मैं 40 साल नौकरी की है मुझे भी पता है छोटे जब महकमे 2 रुपीज़ आप उससे वो उसको कहेंगे उसका तरीका है वो जमा करवाएगा और आप जो है ना उसको तो इन्हीं कलमात के साथ मैं आपका चूँकि नमाज का वक्त बहुत करीब हो रहा है तो हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया और इस उम्मीद से हम यहाँ से जा रहे हैं कि आप इस पर अमल करेंगे और इसको आगे भी फैलाएंगे तो बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।